हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहां किचन। आज हम बना रहे हैं बेसन की सब्जी। जी हाँ, आज हम बेसन की सब्जी बना रहे हैं। मराठी में इसे वो जो झुनका भाकर के साथ झुनका होता है ना, वो कहते हैं, और हम इसे बेसन की सब्जी भी कहते हैं। तो आप जो चाहे समझे, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। हम इसे चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, और जब भी इसे खाना हो गरम गरम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये ठंडा हो जाता है जम जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली हूँ, गैस का फ्लेम बंद है। हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बेसन ली हूँ एक कटोरी। ये 100 ग्राम बेसन होगा या 100 ग्राम से थोड़ा कम ही होगा। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए, घाटे नहीं होने देंगे, कंटिन्यू हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और हल्दी नमक जो हमने यहाँ पे डाले हैं, आगे और भी कोई चीज़ नहीं पड़ेगी, यानी और कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, बस हल्दी और नमक ही था। देखिए, मैं अच्छी तरह बेसन को फेंट रही हूँ, यानी अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और इसमें जो दाने जम रहे हैं उसे भी हम चम्मच से तोड़ते जा रहे हैं। अच्छी तरह फेंट के होने पर हम इसमें एक गिलास पानी और मिलाएंगे। अगर हम एक गिलास पानी से ही बनाएंगे तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो हम एक गिलास पानी इसमें और डाल रहे हैं। देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साइड में रख दीजिए। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब आगे का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, 10 मिनट में झटपट बन जाएगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। और जब भी आपके घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई हो या दाल ख़त्म हो गई हो या बनाने में आपको काहली आ रही हो, तो आप झटपट रेसिपी बना सकते हो। आधा चम्मच हमने जीरा डाले है, आधा चम्मच राई, और इसे अच्छी तरह तड़कने देंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्ते डालिए और 5-6 हरी मिर्ची तीखे के लिए मैंने डाली हो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। देखिए, इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, 1 बड़ा प्याज मैंने कट करके ली हूँ, और इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई हो या झटपट खाना खाना हो आपको, तो आप ये रेसिपी बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपने बना के रखे और वक्त हो गया, ठंडी हो गई, ये गाढ़ी हो गई, तो आप इसे थोड़ा पानी डाल के गर्म करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगी जैसे ये पहले थी। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, 1 टमाटर मैंने ली हूँ, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। देखिए, हमने हल्दी और नमक तो पहले ही पेस्ट में मिला दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पर, ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह पिघल जाए। और पेस्ट को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि बेसन नीचे जाके बैठ जाता है। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किए हैं। अब हम थाली हटा के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, टमाटर अच्छी तरह पक गए हैं, नरम हो गए हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और संभाल के डाल रहे हैं हम। देखिए, हमने अच्छी तरह इसे मिक्स किया है। थोड़ा सा कटोरी में 1 घूंट पानी डाल के वो पानी भी हम इसमें डालेंगे। देखिए, और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसे ढकेंगे नहीं, हम इसे खुले में ही पकाना है फास्ट फ्लेम पर। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम इसे। देखिए, आप बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। अगर हम इसे मिक्स करना छोड़ देंगे तो ये जम जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर से हम इसे चलाते ही रहेंगे। गैस का फ्लेम फास्ट है, आप देखिए
मैं कंटिन्यू इसे चलाते जा रही हूँ। आप कहेंगे कि इसे पकने दीजिए, लेकिन अगर हम इसे पकने के लिए ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो आटा नीचे चिपक सकता है। तो इसे हमें कंटिन्यू, देखिए आप गाढ़ा होना शुरू हो गया है बेसन। तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती जा रही हूँ, ये मेरी माँ ने सिखाए हैं मुझे, बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे घर में सबको पसंद है। जब हम छोटे थे तो हमें मेरे अम्मी अब्बा बना के खिलाते थे, हम सब लोग बहुत शौक से खाते थे। तो आज मुझे याद आ गई तो मैंने कहा कि माँ की बताई हुई एक रेसिपी और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। देखिए गाढ़ा हो गया है ये, हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते जा रहे हैं, वरना ये नीचे से लग सकता है। यानी हमें इसे कंटिन्यू 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। इसे उबाल आना शुरू हो गए हैं और उबाल आने के बाद भी हम इसे 5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। आप देखिए इसकी क्वांटिटी अभी गाढ़ी हो गई है, यानी अब ये दाल की तरह दिखाई दे रहा है, गाढ़ी दाल की तरह। और यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं गरम गरम, और रोटी के साथ तो शौक से खाते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि अगर आप बनाने के बाद ये ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला के फिर से आप इसे गर्म कर दीजिए, ये फौरन इसी इसमें स्टेज पे आ जाएगा। अब हमारी बेसन की सब्ज़ी पक के रेडी हो गई है, हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं, देखिए। और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अच्छी तरह गाढ़ी हो गई है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। हम इसे और पकाएंगे तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसके लिए हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं। और आप भी ऐसे बंद कर दीजिए गैस का फ्लेम। और देखिए यहाँ पे मैंने कटोरी ली हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कटोरी में आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है बेसन की सब्ज़ी, और तमाम चीज़ें इसमें और भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और झटपट जब भी आपको भूख लगी हो आप यही बना के खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। तो अब हमारी बेसन की सब्ज़ी रेडी है, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमने थोड़ा धनिया डाले है इस पर। तो अब हमारी बेसन की सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रही है, और दिखाई नहीं दे रही, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है और यकीन है अगर आप एक बार बनाओगे तो हमेशा इसी को बना के खाओगे, और झटपट खाना हो तो यही याद आएगा आपको। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सब्ज़ी बनाने का तरीका, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको मेरा ये खाना बनाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, और मेरे बड़े और छोटे तमाम वीडियो को देखिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, कभी आप अच्छे व्यू देते हो चैनल पे और कभी नए भी आते हैं व्यू, तो कोई बात नहीं, अपने अपने नसीब की बात है। तो फिर हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।